हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है कुड्डालोर में खोजी गई एस्चुरिन केकड़े की नई प्रजाति। शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एस्चुरिन केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह केकड़े की नई प्रजाति वेल्लर नदी के मुहाने के पास परंगीपेट्टई के मैंग्रोव में खोजी गई। शिक्षा और अनुसंधान में अन्नामलाई विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की सेवा के सम्मान में इस प्रजाति का नाम सीडोहेलिस अन्नामलाई रखा गया है। उच्च अंतरज्वारीय क्षेत्रों में खोजी गई इस वंश यानी जीनस की यह पहली प्रजाति है। अभी तक इस वंश की केवल दो प्रजातियां सीडोहेलिस सबक्वाड्राटा और सीडोहेलिस लैटरली ही खोजी गई है। नई खोजी गई प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सीडोहेलिस अन्नामलाई गहरे बैंगनी से गहरे भूरे रंग की होती है और इसके पीछे के आवरण पर सफेद पैच के साथ अनियमित हल्के भूरे या पीले भूरे चेलीपेट्स पाए जाते हैं। नई प्रजाति तुलनात्मक रूप से छोटी होती है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 20 मिलीमीटर तक होती है। यह प्रजाति आक्रामक नहीं है और अन्य इंटरटाइडल केकड़ों की तरह तेजी से आगे बढ़ सकती है। एक ही क्षेत्र में अंतरज्वारीय केकड़ों की 17 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अगर वेल्लर नदी की बात करें तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह कालरायन पहाड़ियों से निकलती है और सलेम, पेरम्बलूर और कुड्डालोर जिलों से होकर पूर्व की ओर बहती है। यह नदी परंगीपेट्टई के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है।